मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा, सभी बच्चों ने अच्छी तरह से अपना काम किया है। तो चलिए बेटा, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास थ्री। आज जो आपका पेज है बेटा, वो है पेज नंबर आपका 40। और इसके साथ आपको एक व्हाइट पेपर दिया हुआ है, उस व्हाइट पेपर को आप निकालेंगे और उस पर हम वॉटर कलर के ड्रॉप्स से अपना काम करेंगे। तो चलिए, आप ये पेज ओपन कर लीजिए बेटा और हम अब इस काम को स्टार्ट करते हैं। इस काम को शुरू करने से पहले आप ये देखेंगे बेटा, इसमें क्या मटेरियल हमें चाहिए है। जैसे यहाँ दिखाया है, आप थोड़े से कलर्स ले लीजिए और स्ट्रॉ है। और ये इस काम को बेटा आप स्पून के साथ भी कलर इस पे ड्रॉप्स डालकर कर सकते हैं, जैसा कि ये आगे स्लाइड्स में दिखाया है। पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप में कलर ऐसे ड्रॉप डाल रहे हैं, उसके बाद ऐसे स्ट्रॉ के साथ फूंक रहे हैं और उससे कलर जो स्प्रेड हो रहा है उससे डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं। ये इस तरह से देखिए बेटा, कितना फन के साथ, एंजॉय के साथ ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही स्प्रेड करके उसको कलर्स को, और ये बटरफ्लाई बनाई गई है। और हम जो आज क्लास में काम करने वाले हैं वो शेप है हमारा फिश, तो हम अपनी फिश को इस तरह से कलरफुल बनाएंगे। और इसी टेक्निक से बेटा आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके क्लास थ्री स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी एक्टिविटी है वो तो बहुत ही मजेदार है। इसमें हमने क्या करना है, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि हम इसमें इस तरीके से वाटर जो आपके वाटर कलर के ड्रॉप्स हैं, इधर इधर थोड़े से इस तरीके से हम डालेंगे। अलग अलग कलर लेंगे बेटा हम। जैसे ये रेड के ड्रॉप्स डाल दिए मैंने, ये बेटा मैंने इसमें जो कलर के ड्रॉप्स हैं ये इस तरीके से डाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से स्ट्रॉ लेंगे बेटा और स्ट्रॉ से हम ऐसे एक साइड से अपने माउथ में स्ट्रॉ को लगाएंगे और उसके बाद उसको फूंकेंगे हम उसमें एयर। इस तरीके से बबल्स को हमने सारे फैलाने। ये देखिए बेटा, इस तरीके से ये सारा हमारा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, कलर जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से स्प्रेड हो गया। अब हम इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद फिर इसमें से हम फिश को कट करेंगे। और कट करने के बाद फिर जो फिश है हमारी कलरफुल, वो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो अभी हम थोड़ा इसको ड्राई होने देते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये पेज हमारा जो है जिसपे हमने ये ड्रॉप्स गिराए थे कलर के और फिर उसको स्ट्रॉ के साथ ब्लो किया था, तो अब हम इसको कट करेंगे। इसमें से जो ये फिश का शेप दिया हुआ है, फिश बनी हुई है, तो इसे हम कट करेंगे। इसमें टू फिशेज हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। कटिंग आप बहुत ही ध्यान से करेंगे और छोटी सीजर का यूज करेंगे बेटा। पहले आप एक फिश को ऐसे अलग निकाल लीजिए इसमें से और आप देखिए कि फिश का क्या शेप बना हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही कट करना है। छोटा सा पीस है बेटा, तो आप जितनी छोटी सीजर यूज करेंगे अच्छा है, ज्यादा बड़ी सीजर की आपको जरूरत नहीं है। और कटिंग के लिए आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। पहले इस तरीके से बेटा बड़े पेपर से छोटा पीस हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जो ये हमें ड्राइंग दिख रही है फिश की, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे।
ये देखिए हमारी फिश इसमें से कट हो गई है बेटा, जो पेपर था हमारे पास। ये देखिए ये फिश बन गई हमारी कलरफुल। अब हम इसमें ये इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें और जो डिटेल वर्क है उसको करेंगे। तो पहले हम एक और जो फिश है हमारी बड़ी वाली, इसमें बनी हुई है पेपर पे, उसको भी हम इसी तरह कट कर लेते हैं। तो ये बेटा देखो, देखिए आप, ये मैंने कट कर लिया है। तो ये दो फिश हो गई हमारे पास, एक छोटी एक बड़ी। अब यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले क्या करूंगी मैं, थोड़ा सा बेटा आप ये इस काम को डिटेल कर सकते हैं। जैसे ये वाटर यहाँ बना हुआ है, आप अपने आप भी थोड़ा सा वाटर यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे ब्लू कलर के साथ। तो हमारा जो ये सीन है फिश वाला, ये और भी अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से कलर कर लीजिए थोड़ा सा ब्लू कलर, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फिश की पेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे गम लगाएंगे। एक फिश हमने यहाँ पेस्ट कर दी और जो बड़ी वाली फिश है हमारी उसको हम नीचे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, और ये दूसरी फिश है जो हमारी, वो हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद ये मैंने मार्कर से इसकी आईज डार्क कर दी है। आप भी स्केच पेन के साथ इसकी आईज बना लीजिए। और इसके यहाँ पर हम थोड़े से बबल्स बना देते हैं। और अब हम क्या करेंगे बेटा, ये सारी जो फिश है हमारी, ये और अच्छी आपकी नजर आए इसलिए हम इस पे इस तरीके से जो है आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से बेटा आउटलाइन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे जो है हमारी फिश हाईलाइट हो जाएगी और भी अच्छी दिखाई देगी। तो आप चाहें तो इसमें आउटलाइन कर सकते हैं और इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। और भी आप यहाँ पर पानी का थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से दे दीजिए और आपका ये जो फिश का है सीन, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह बेटा आपने इसको करना है सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, जो पेपर यहाँ पर मिला हुआ है बुक में, उसमें कलर के ड्रॉप्स गिराने हैं। उसके बाद स्ट्रॉ लेना है, और बिना स्ट्रॉ के भी आप उसको ऐसे फूंक कर और फैला सकते हैं कलर को। और उसके बाद फिर कटिंग करके जो फिशेज हमारी बनेंगी वो हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो चलिए बेटा फिर अब ये काम आप करिए, और काम जैसे ही आपका फिनिश हो जाए आपने अपने हैंड वॉश करने हैं और अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।